आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। लेट अस कंटिन्यू चैप्टर नंबर 5 ऑफ आवर मैथ सब्जेक्ट। टुडे वी विल लर्न मल्टीप्लीकेशन ऑन अ नंबर लाइन। व्हाट वी हैव टू लर्न? मल्टीप्लीकेशन ऑन अ नंबर लाइन। लुक एट द गिवन एग्जाम्पल्स। सी, हियर देयर इज वन नंबर लाइन। यस या नो? यस। एंड दे हैव गिवन यू सम नंबर्स लाइक 0, 7, 14, 21, 28 and 35। नाउ लेट अस सी हाउ मेनी टाइम्स वी आर काउंटिंग 7। हम लोग 7 को कितनी टाइम्स काउंट करते हैं? 1, 2, 3 and 4। हाउ मेनी टाइम्स वी हैव डन? 4 टाइम्स। एंड थ्रू विच नंबर? 7। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? 4 times 7 मतलब कि 4 multiplied by 7। सो व्हाट इज अवर आंसर? 4 sevens are 28। एंड इफ वी चेंज द ऑर्डर देन 7 fours are 28। यस या नो? यस। सी नंबर 2 multiply 8 by 3। हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू डू? 3 times। 1, 2 and 3। एंड विच नंबर? 8। सो 3 eights are 24। अंडरस्टूड? यस। सो हियर देयर इज वन एक्सरसाइज रिलेटेड टू मल्टीप्लीकेशन ऑन नंबर लाइन। व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू ट्रेस इट एंड देन वी हैव टू फिल इन द बॉक्सेस। सो लेट अस ट्रेस, लेट अस काउंट हाउ मेनी टाइम्स? 1, 2, 3, 4, 5 and 6। हाउ मेनी टाइम्स वी हैव डन? 6 times। एंड विच नंबर वी आर काउंटिंग? 6। सो 6 sixes are, व्हाट इज अवर आंसर? व्हाट वॉज द नंबर एट द एंड? 36। 6 sixes are 36। नाउ नंबर बी। 1, 2, 3। हाउ मेनी टाइम्स वी हैव डन? 3 times। एंड थ्रू विच नंबर? 10। सो 3 tens are 30। राइट हियर 3 multiplied by 10 equal to 30। नाउ नेक्स्ट इज नंबर सी। स्टार्ट प्रेसिंग। 1, 2, 3, 4, 5। हाउ मेनी टाइम्स वी हैव डन? 5 times। एंड विच नंबर? 9। सो 5 multiplied by 9, व्हाट इज अवर आंसर? 5 nines are 45। एंड इफ वी चेंज द ऑर्डर देन 9 fives are 45। कंप्लीटेड टिल हियर? यस। नाउ टर्न द पेज, टेक पेज नंबर 98। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू लर्न मल्टीप्लीकेशन मेथड। व्हाट वी हैव टू लर्न? मल्टीप्लीकेशन मेथड। वी कैन मल्टीप्लाई द नंबर्स इन 2 ways। व्हाट वी कैन डू? वी कैन मल्टीप्लाई इट इन 2 ways एंड अवर आंसर विल बी सीन इन ईच आंसर। फर्स्ट इज हॉरिजेंटल मल्टीप्लीकेशन। व्हाट इज द फर्स्ट मेथड? हॉरिजेंटल वे। लुक एट हियर 4 multiplied by 2। ये कौन सा वे है? हॉरिजेंटल वे। व्हाट वी डू हियर? हियर 2 numbers आर नेक्स्ट टू ईच अदर एंड हियर वी विल राइट डायरेक्टली आंसर। 4 twos are 8 एंड दिस इज वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन, मीन्स वी विल राइट इट इन वर्टिकल वे। सी फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर एंड हियर वी विल डू साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। 4 twos are 8। आंसर इज सेम और नॉट? यस। सो व्हाट वी नीड टू डू? वी कैन डू मल्टीप्लीकेशन विथ एनी ऑफ द मेथड।
हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लीकेशन और वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन. इन मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो वी हैव टू स्टार्ट विथ विच प्लेस, वंस की प्लेस से. हमें कहाँ से स्टार्ट करना होता है? वंस की प्लेस से. सो से एक्सरसाइज नंबर वन, सॉरी एक्सरसाइज नंबर नाइन, फाइंड द प्रोडक्ट नंबर ए विच इज फर्स्ट नंबर सिक्स एंड सेकेंड इज सेवन. सो सिक्स सेवन जा और सेवन सिक्स जा. आप कोई भी टेबल ले सकते हो. व्हाट इज योर आंसर? सिक्स सेवन जा 42. सो डायरेक्टली यू हैव टू राइट 42. इजी और नॉट? यस. नाउ नंबर बी, 9 मल्टीप्लाई बाय 5. 9 5 जा 45 एंड 5 9 जा 45. आंसर विल रिमेन सेम. नाउ लुक एट योर, योर टू नंबर इज देयर. यस या नो? यस, टू डिजिट इज देयर. वंस की प्लेस पे है एंड टेंस की प्लेस पे है. सो फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट? फ्रॉम द प्लेस ऑफ वंस. सो हमें क्या करना है? सी योर ओनली वन डिजिट इज देयर एंड योर टू इज देयर. सो पहले हम इसे वंस से मल्टीप्लाई करते हैं. 4 जीरो जा 0 एंड नाउ वी विल मल्टीप्लाई इट विथ टेंस. 4 1 जा 4. एबल टू अंडरस्टैंड? यस या नो? यस. व्हेनेवर देयर आर टू डिजिट्स, जब आपको फर्स्ट नंबर पे टू डिजिट्स दिए हैं, एट थर्ड टाइम व्हाट यू विल डू? फर्स्ट यू विल मल्टीप्लाई विथ वंस एंड देन यू विल मल्टीप्लाई विथ टेंस. सी नंबर डी, 3 7 जा और 7 3 जा. व्हाट इज योर आंसर? 3 7 जा 21. वेरी गुड. नंबर ई, 3 मल्टीप्लाई बाय 8. सो 3 8 जा 24. वेरी गुड. नाउ फ्रॉम नंबर एफ टू नंबर एल यू हैव टू कंप्लीट इट इन होमवर्क. व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू कंप्लीट इट इन होमवर्क. यू नीड टू डू प्रैक्टिस एट होम. सो यू विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन होमवर्क. नाउ टेक नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 99, एक्सरसाइज नंबर 10. व्हाट वी हैव टू डू हियर? वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट. फाइंड द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन. सी इन लास्ट एक्सरसाइज देयर वॉज ओनली वन डिजिट एट अ प्लेस ऑफ वंस, बट नाउ इट इज टू डिजिट नंबर 2323. हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? टू डिजिट्स एंड योर सेकेंड नंबर इज ऑफ वन डिजिट. सो मैम ने क्या सिखाया? व्हाट यू विल डू? फर्स्ट यू विल मल्टीप्लाई द डिजिट एट वंस प्लेस. पहले आप वंस के प्लेस से मल्टीप्लाई करोगे. दैट इज 2 3 जा. पहले हम लोग वंस लेते हैं ना. यस. सो 2 3 जा 6 एंड नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ टेंस. ऐसे 2 2 जा 4. ओके 56 मल्टीप्लाई बाय 1. सो पहले हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? वंस से. 1 6 जा 6. वंस के प्लेस पे लिखना है. व्हाई? बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग विथ वंस. एंड 1 5 जा 5. एबल टू अंडरस्टैंड? यस या नो? यस. नंबर सी, 3 0 जा 0 एंड 3 3 जा 9. नंबर डी, अगेन टू डिजिट्स आर देयर. सो 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8. डन. ओके, टेक नेक्स्ट पेज नंबर ई, 23 मल्टीप्लाई बाय 3. सो विच प्लेस यू विल टेक फर्स्ट? वंस प्लेस. 3 3 जा 9 एंड नाउ टेंस के प्लेस. 3 2 जा 6. वेरी गुड. अगेन 1 1 11 मल्टीप्लाई बाय 5.
5 ones are 5. And now which place? Tens ki place. 5 ones are 5. Now from number G to number L, you will complete it in homework. What you have to do? You have to complete this exercise in homework. And now we will learn multiplication of a 3-digit number by 1-digit number. Take exercise number 11 on page number 101. Yes. Till now, what we were doing? We were multiplying with 1s and 10s. That is 2-digit number. But now there are 3 digits. Yes or no? Yes. See number A. 321 multiplied by 1 digit. Only single digit is there. Yes or no? Yes. And which digit it is? 3. So first, with which place we will multiply with? 1's ki place se. So 3 1's are 3. Now 10's ki place. 3 2's are 6. And now 100 ki place se. 3 3's are 9. Is it easy or not? Very easy. See number B. 242 multiplied by 2. From which side we have to start? Right side. 1's ki place se. So 2 2's are 4. Now which place we have to take? 10's place. 2 4's are 8. And now 100's place. 2 2's are 4. Able to understand? Yes or no? Yes. Number C. 130 multiplied by 2. Which place we will take first? 1's ki place. 2 0's are. Or you do reverse, change the order. 0 2's are 0. Both are equal. 2 3's are 6. And now at 100's place. 2 1's are 2. Yes or no? Able to understand? Okay. Now number D. 101 multiplied by 6. Which place we will take first? 1's place. So 6 1's are 6. Now 10's ki place. 6 zeros are 0. Now 100. 6 ones are 6. So what is your answer? 606. Now number E. 231 multiplied by 3. 3 ones are 3. 3 3's are 9. And 3 2's are 6. Now, remaining sums of exercise number 11, you have to complete it in homework. It means you have to fill the textbook with me. And whatever homework I am giving to you, that you have to complete it in homework.